गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला परिसर में किसानों ने हंगामा और मारपीट की। इस दौरान कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दंगाइयों की लाठियां पुलिस पर बरसती रही, पुलिस वाले किसी तरह से अपनी जान बचाते रहे। लाल किला परिसर में उस वक्त क्या मंजर था, सुनिए घायल पुलिस वालों की जुबानी। देखिए, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी लाल किले पर, मजार पे लगी हुई थी। किसान है ये जो सरदार थे, तलवार उलवार पत्थरबाजी करने लगे, हमारी तरफ दौड़े आए, हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदने लगे ग्रिल से। वो ग्रिल है कि टूट गई और हमारे ऊपर गिर गई, उसी के ऊपर से काफ़ी सारे लोग भी जा रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हुई उस टाइम पे। मतलब वहाँ जहाँ लाल किले पे एक्यूरेट बिल्कुल आगे भेज दिया गया, फिर हम वहाँ अपनी जाके ड्यूटी पे खड़े हुए, फिर तभी किसानों में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, पत्थरबाजी फेंकने लगे, फिर हम भी उधर वहाँ से हटने लगे तो पीछे हमारे एक ग्रिल लगी हुई थी जो वो गिर गई और मेरी टांग पे गिरी, और वो मेरे साथ वाली, वो हम दोनों साथ ही थे, उनकी यहाँ पे गिर गई पसलियों पे गिरने की वजह से। फिर सब हमारे ऊपर से जा रहे, हम चिल्ला रहे जोर जोर से कि हमें बचाओ, कोई निकालो हमें, पर किसी ने हमें सुना ही नहीं। सब ऊपर से जा रहे, हम चिल्लाते रहे। अचानक एक ग्रुप था किसानों का, गुंडा ही बोलूँगा, किसान तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो लोग नशे की हालत में, उन्हें ये नहीं पता कि वो किसको क्या मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं। पुलिस को बेरहमी से मारना उन लोगों ने स्टार्ट किया, और जो लाल किला के जो चारों तरफ जो खाई बनी हुई है, उसके वहाँ अंदर खाई तक में उन लोगों ने उनको गिराया मार मार के।